अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाज़रीन, नई सुबह नए मेहमान। और जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना कोई ना कोई नया गेस्ट होता है जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कारनामा अंजाम दे रहा होता है, और उसको मैं सलामी देने के लिए यहाँ बुलाती हूँ। जैसा कि आज हमारे शो पर जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी टिकटॉक की दुनिया से है। टिकटॉक क्या है, क्यों बनाते हो यार, उसमें क्या है, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, फिर क्यों बनाते हो, क्यों अपनी लाइफ को टिकटॉक में दे दिया लोगों ने, मैंने देखा। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे मुमताज कमर को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? भले टेंशन ना ले, मसला नहीं है, करने आए। और तबीयत कैसी? बिल्कुल बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है। तुम बेहतरीन? ठीक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं थर पारकर। क्या चीज़ वहाँ की मशहूर है? वहाँ की मशहूर चीज़ तो प्यास है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, यही चीज़ें होती है वहाँ पे, बहुत कमी है इस चीज़ की, कोई भी मशहूर चीज़ नहीं है वहाँ। जो हमारा इलाका है वो एक बहुत गरीब तबके से है, मतलब कि है, शऊर नहीं है इतना। और दूसरी बात है कि प्यास की वजह से बच्चे जो भूख, हम सुनते रहते हैं मीडिया से, तो इसलिए जो है ये कहानी है सारी। टिकटॉक क्यों बनाते हैं? टिकटॉक मेरा एक पहले देखता था तो किसको देखते थे? काफ़ी स्टार, आप जैसे लोग बनाते हैं स्टार, देखते हैं स्टार, उनको फेम मिलती है, तो हम खुद चाहते हैं हमें फेम मिले। हम क्यों आप लोग फेम देख के परेशान हो, इसलिए हम खुद फेम है, मुझे मशहूर करें। नहीं, आपने मोटरसाइकिल चलाई है, उस वो वीडियो मैंने काफ़ी देखी थी कि ज़बरदस्त मोटरसाइकिल चलाती है। मैंने भी कारनामा जी, बिल्कुल इसी वजह से आप यहाँ पे हैं अभी और मैं भी आपके सामने हूँ। कोई वाकई कोई ना कोई ज़िंदगी में एक होता है, कोई ना कोई कारनामा दे रहा होता है। फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपकी? मेरी फेवरेट टिकटॉकर रूबी अली। और बॉयज में? तारा। आप टिकटॉक बनाती है? बॉयज में बहुत सारे, मैं पसंद तो किसी को नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। टिकटॉक में अली हैदराबादी है, अली हैदराबादी, क्योंकि वो सिर्फ भाग भाग के फेमस हुए। सिंधी सॉन्ग सुनते हैं जी? बिल्कुल। कौन सा सॉन्ग फेवरेट है और कौन से सिंगर को ज्यादा सुनते हैं? हमारा सिंगर तो अभी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हम फौजिया सुमरों को सुनते हैं जो इस दुनिया में है, उसका बता दें। नहीं, इस दुनिया में मुमताज मौलाई। मौलाई की तो बात ही अलग है। हाँ। कौन सा मौलाई का गाना फेवरेट है? मुमताज मौलाई का एकदम तो भी मेरे जहन से नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेशर है। बदो तो के बाह में जानी, ये वाला मैं बहुत सुनती हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मे बी मौलाई यहाँ पे बैठा होगा, इंशाल्लाह होंगे और हमारे साथ कचहरी करेंगे, सॉन्ग वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे ये ख्वाहिश होती है। किसी को आपको सिंगिंग करने का शौक था या है आपको? नहीं, मैं वैसे अपनी जबान में गाता रहता हूँ। कौन सी जबान है आपकी? मारवाड़ी डाटकी कहते हैं। सुनाए अपनी जबान में कुछ, सुनाए मुझे। अच्छा, एक हमारे फौजिया सुमरो का गाना मशहूर था, तो उसकी एक नकल मैंने की थी, कि जहाँ से मुझे फेम मिला, मतलब कि मेरी वीडियो वायरल हुई, तो वो था कि उठी बालमिया उठी जो हल्ले किचन में भोड़ा दो। ये हमारे एक नीचे तबके के लोग जो है उनके लिए एक सॉन्ग बना था। अच्छा, तो ये बड़ा फेम हुआ था। कितना वायरल गया था? ठीक ठाक गया, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अपने हिसाब से अच्छा किया। कितना बताएं तो? मतलब मिलियन भी तो नहीं है, अच्छा खासा वायरल हुआ है। लाख? अरे बाबा, लाख? एक लाख? हाँ, एक लाख से। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी तो वायरल भी नहीं हो रही वीडियोस। आप वायरल है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चल रही है। अभी अकाउंट वायरल ही नहीं जा रहा, मैं थक गई हूँ वीडियोस रख रख कर। नहीं, थकना नहीं होता इसमें, क्योंकि 20,000 30,000 60,000 1,00,000 ये भी अच्छे व्यूज है। लाइक की अहमियत नहीं होती जितनी व्यूज की होती है, हम चाहते हैं कि लाइक मिले ना मिले। लाइक्स कितने मिलते हैं आपको? मुझे एक वीडियो पे मतलब कि 2,000 से ऊपर, अभी आज जो एक वीडियो डाली उसके तकरीबन 5 से 6,000 होने वाले हैं। मुझे तो 200, बल्कि 202 लाइक मिलते हैं। एक मेरी अम्मी लाइक करती है, एक मैं खुद लाइक करती हूँ। तीसरा बंदा हाथ करो इंशाल्लाह। बस आप लाइक कीजिएगा, डन। फिर 3 लाइक हो जाएंगे। क्या होता है मुस्तकबिल में आपका क्या करना? मुस्तकबिल अब क्या करना है, अब आधी उम्र गुजार ली है, बाकी आधी रह गई है। मैंने वही सोचा ना, मैं आपसे पूछूं नहीं पूछूं, उसमें कोई वो नहीं है खास, मुस्तकबिल जो बनना। वैसे आप क्या करते हैं टिकटॉक के अलावा? टिकटॉक तो एक फन है, एक ऐप है। मैं खान सामा, मतलब कि बोर्ची हूं, खान सामा खाना बनाता हूं। तो एक
एक तो हमें भूख वैसे ही बहुत लगी हुई थी जी, बिल्कुल, तो आप मुझे बताया नहीं डायरेक्टर साहब ने कि आज हमारे पास कुक आ रहे हैं और बहुत अच्छी वीडियोस बनाने के साथ साथ खाना भी बनाते हैं। बिल्कुल आपको ये नहीं तो मैं फरमाइश करती कुछ लेकर आए। बिल्कुल मुझे कहते वैसे भी मेरे आज गेस्ट आए, वो बेचारे आए तो उन्होंने फरमाइश मुझसे की थी खाने की, तो मैंने उनको बड़ा वेट करवाया सुमेर और गोपांग साहब, तो अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो मैं आपको बोलती आप कुछ लेके आ जाते बना के। बस इस बात पे अफसोस ही कर सकते हैं कि मैंने बताया नहीं, आपने कहा नहीं। नहीं अफसोस क्यों करना, इसलिए कि आपके गेस्ट को चाहिए तो खाना मैंने बना के आया, तो गेस्ट को भी बुला लेंगे खाना भी आ जाएगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी होनी चाहिए खाने बहुत और गेस्ट भी बहुत। बिल्कुल सही कह रही हूं, बिल्कुल राइट। अच्छा मुझे आप ये बताएं, सिंध में आपको जाहिर सी बात है टिकटॉक पे इतना टाइम आपने वेस्ट किया, जी जी, क्या फायदा है टिकटॉक बनाने का? टिकटॉक पे कुछ नहीं है, मतलब कि फेम के अलावा वहाँ कोई पैसा नहीं है। ऐसे फेम का क्या फायदा जिससे आपको पैसा नहीं मिल रहा? बस ये भी एक फेम भी एक नशा है, मैं ये समझता हूँ कि ये नशा है कि नशा कुदरती होता है, उतर जाता है। नहीं उतरता, कभी कभी नहीं उतर रहा, लेकिन स्लो स्लो उतरेगा ना, अगर उसमें पैसे आ गए अचानक तो नशा और ज्यादा हो जाएगा, नशा और ज्यादा। टिकटॉक एक नशा है जिसने चलाया वो नहीं छोड़ सकता। अगर टिकटॉक बैन हो गया तो आप क्या करेंगे? वीपीएन। अच्छा अभी सोच के बैठे हैं वीपीएन चलाया जो बीच में बैंड हुआ था, मैंने चलाया, मैंने बंद किया ही नहीं। क्या बात है, मुझे अगर 2 लाइक आए, देखें 2 लाइक से मैं शुरू हुआ, मुझे अब के में लाइक आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे इस लाइक पे या उस पर कोई अफसोस नहीं है, मेरी वीडियो नहीं जा रही, मैं परेशान हूँ, मैं डाउन हूँ, या कोई वो अच्छी बना रहा है तो मैं उस जैसी बनाऊँ, मेरी ये आदत नहीं है। मैं जिस मूड में जहाँ होता हूँ वो चीज़ उसमें कैमरे के सामने लोगों में पेश करता हूँ, तो यकीनन मुझे उम्मीद होती है उसमें मुझे रिजल्ट मिलेंगे, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो जाती है। यस मैरिड हूँ मैं, डेफिनेटली। बच्चे भी टिकटॉक? 2 बच्चे हैं मेरा, नहीं वहाँ हमारे जो जो एरिया में बताया वहाँ पे कोई फोन नहीं है, कराची आते हैं नहीं, कभी कभी घूमने फिरने बनाई है उनके साथ वीडियो, जी कुछ वीडियोस है। या टिकटॉक के नशे में ये नहीं हो घर वालों को? नहीं नहीं इतना नशा भी नहीं है, क्योंकि उनका प्रेशर रहता है जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके डिपार्टमेंट से कॉल आती है, बिल्कुल वहाँ से प्रेशर आता है, तो जरूर वो देखते हैं आपकी टिकटॉक्स? जी वहाँ देखते हैं कुछ जो डाउनलोड करके। क्या कहते होंगे, क्या कर रहे हो? हंसते हैं मेरे बच्चे, मैं जब मेरे टिकटॉक देख के वो मतलब हंसते रहते हैं, वो मुझे मजा आता, ठीक है बस। अच्छा जी, ये क्या कहेंगे मेरे शो के बारे में? आपका शो बेहतरीन है, मैंने काफ़ी दिन से बोला हुआ था कि मुझे यहाँ जाना है, मेरा शौक था, और इसी तरह शो करती रहें, इसी तरह मुस्कुराती रहें, हम देखते रहें, और बहुत ही अच्छा शो कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम है आपका, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी आपको। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी डेफिनेटली, कौन सी वीडियो थी जो आपको ज्यादा अच्छी लगी और आप क्या कहेंगे उसको ज्यादा, मैंने उसके ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए मुझे? जी मैंने आपकी वीडियो एक देखी थी जो आप बाइक चला रही है, सबसे अच्छी मुझे वीडियो वो लगी। कौन सी बाइक थी, कौन सा ड्रेस था? बाइक का मुझे इतना वो नहीं है, हाई कोई बाइक थी, हैवी बाइक थी, लेकिन वो चला रही थी तो यकीन बहुत एक अच्छी लग रही थी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। VIP सफा, ठीक हो गया, सोनी। तो अच्छा मुझे ये बताएं, हमारी जबान कहते हैं फुटरी लगी, फुटरी ये सोनी को कहते हैं, फुटरी लगी, ठीक हो गया, वो बाइक चलाते हो आप दाढ़ी फुटरी लगी, ठीक हो गया। तो गाइज आज के मेहमान थे हमारे साथ मुमताज कमर, टिकटॉक के बहुत शौकीन है, टिकटॉक पे काफी टाइम दिया और फेमस होने का बहुत ज्यादा शौक है इनको। और अभी कितने फॉलोअरशिप है आपकी? जी मेरे फॉलोवर तकरीबन 53,000 तक, 1,000 है, तो 2 मिलियन से ऊपर लाइक है मेरे, तो काफ़ी रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है जो आपकी वीडियोस वगैरह बनाता है? सज्जाद पली और मेरे साथ एक लड़का है मोहसिन अली, दो वो दोनों आपकी वीडियोस बनाते हैं? जी बिल्कुल, वीडियो बनाते हैं और मुझे हौसला भी देते हैं और मुझे काफी गाइड भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है अकाउंट बैंड हो गया या अकाउंट को कुछ ऐसा हुआ हो तो? जी परेशान होते हैं जरूर, अकाउंट सबसे वार्निंग आई थी उस दौर में अभी कुछ दिन पहले, तो हम परेशान बहुत थे। अकाउंट वार्निंग मेरी तो पिछले 6 महीने से लगी पड़ी है, हट गई मेरी तो, हट गई, मुझे टेंशन थी इसलिए हट गई, आपको टेंशन नहीं, आपके लिए टिकटॉक बेकार है। नहीं बेकार नहीं है, टिकटॉक ने मुझे 6 लाख फॉलोअर्स दिए हैं, जी जी 12 मिलियन लाइक्स दिए हैं, फिर और क्या है, और मेरी हर वीडियो माशाल्लाह से 2 लाख 3 लाख। तो फिर मुझे पूछना चाहिए इतना कुछ है आपके पास, टिकटॉक क्या देता है आपको? ये मैं एक अच्छा मैं आपसे ये कहूँगी कि इंसान इंसान की जिंदगी में बड़े मसले होते हैं, बिल्कुल
हर एक की लाइफ, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है चाहे वो जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो कुछ चीजें अगर एप्स आपके पास दिए गए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको चाहिए आप उस पर अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए यूज करती हूँ कि मुझे मुझे भी फेम का शौक नहीं है। मैं सबसे पहले ये क्लियर करूँ, लोगों ने बोला कि फेम के लिए, मैं आर्टिस्ट के पास खुद नहीं जाती, मुझे जो मोहब्बत देता है मैं उसके पास जाती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब चीजें वक्ती हैं, वक्ती फेम पैसा इज्जत ये सब चीज़ है, इसके पीछे भागोगे ना तो ये आपसे दूर रहें। बिल्कुल, ये इस बात में कोई शक नहीं है। मैंने वही कहा आपसे कि मैं इस चीज़ से परेशान नहीं होता कितने लाइक मिले कितने वो चीज़ मिली, लेकिन एक मिल रही होती है तो बेहतरीन है, वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम खुश होते हैं कि हमसे लोग मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोग मिलते हैं, एक मतलब के साथ वीडियो बनवाते हैं या वो कहते हैं, इतना अच्छा लगता है जब कोई आपको पहचान के बोलता है पिक्चर, बहुत अच्छा लगता है। यही तो हम चाहते हैं उसमें, और क्या है, यही हम चाहते हैं। कोई बुला के कहे कि अब मुझे वहाँ काफ़ी कहते हैं उस्ताद मुमताज़ कमर, ठीक है, तो काफ़ी बुलाते हैं मुमताज। अब जहाँ भी काफ़ी भाई मेरे साथ सजात पली होते हैं तो ये भी, इसने भी मेरे साथ कुछ वीडियो बनाई, इनको भी बुलाते हैं तो काफ़ी एक अच्छा महसूस होता है कि लोग जानते हैं पहचानते हैं। अफसोस उस वक्त होता है कि उसको हम नहीं पहचान रहे होते हैं, लेकिन वो हमें ऐसे मिल रहे होते हैं एक सदियों पुरानी हमारी दोस्ती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो गाइस आज मैं आपसे बात शेयर करूंगी, मैं आज पोर्ट ग्रैंड गई क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आपको पता है 3 दिन से मेला चल रहा है कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से, और कल्चर वाले कितना प्यार करते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ पे मौजूद थी तो हालांकि मैं ना आंटी बन के गई थी चादर लेकर, बहुत गेटअप चेंज करके पहचाने नहीं और बाल बाल बांध के, जब मैं वहाँ पहुंची हूँ गेट पे और मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो 5-6 लड़के आए, अदी तारा, मैंने बोला नहीं मैं उसकी सिस्टर हूँ, वो तो घर पे सो रही है, वो ऐसे थोड़ी आती है। और कहते हैं नहीं हमने आपको आवाज से पहचान लिया, मैं भी तंग कर रही थी उन्हें। तो जब अंदर गए पोर्ट ग्रैंड वालों ने बड़ा प्यार दिया, बहुत गिफ्टिंग की, थैंक यू पोर्ट ग्रैंड और थैंक यू सो मच कल्चर डिपार्टमेंट के, इतना प्यार करते हैं। और मैं अपनी स्क्रीन के जरिए ये मैसेज दूंगी कि हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत। चलें ये मैसेज आप दें आज, हमारा कल्चर जो है एक अजरक टोपी, में दें सिंधी में अजरक टोपी, यकीनन देखे मैंने कल्चर अपनी पहनी हुई है, छोड़ेंगे टोपी अजरक, हम बहुत खूबसूरत लगते हैं और हमें खुशी होती है अपना ये कल्चर डे मिलाकर, हमारी ये खुशियाँ और हम साथ मिलकर जब ये मिलकर ये कल्चर डे मनाते हैं, यकीनन इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशी होती है। और फिर आगे ये कहते हैं कि कल्चर डे मतलब कल्चर डे हमारे ईद की तरह होता है, ऐसा ही है जब आना होता है, 2 ईदें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरी ईद हमारी कल्चर की होती है और ये मैं पहली तस्लीम करती हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी खुशी होती है कल्चर डे पे, सिंधी सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, डांस कर रहे, तो उस टाइम कोई नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, यकीनन हम सब घर में आगे पीछे डांस कर रहे होते हैं। वैसे आम दिन में करो तो हम बुरे हो जाते हैं, और वैसे कल्चर डे में करो तो कोई मसला नहीं है भाई, कल्चर डे मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि हर जबान हर तबके के लोग कल्चर डे पर निकलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अजरक लेकर, जब इतना प्राउड होता है कि हर इंसान ने अपने गले में एक अजरक वेयर की हुई होती है और हो जमालो कह रहा हो जमालो कह रहा कुछ आए ना आए हो जमालो बोलता है। बिल्कुल ही असांजी सिंध जेको आ तमाम ये मुरकंदी रहे, असां चाहींदा आहियूं असांखे इहो ई ख़ुशियूं मिलंदियूं रहनि, अजरक टोपी पाई ऐं असां जॾहिं निकिरंदा आहियूं यकीन असांखे फ़ख्रु महसूसु थींदो आहे, छो त हीअ असांजी सिंध हमेशह काफ़ी मसलनि में रही आहे, पर अलाह उन्हनि खे ख़ुशि रखे जेको असांजी सिंध जे लाइ सुठो सोचींदा आहिनि ऐं ईअं सोचींदा रहनि। बाक़ी तारा तमामु बहितरीन प्रोग्राम्स आहे हीउ जेको ॾिसो था तव्हां, हर टाइम माण्हू ईंदा आहिनि जेके तमामु बहितरीन तरीक़े गाइड कंदी आहे ऐं तमामु सुठो लॻो, ऐं असां बि अॼु पहिरें दफ़ो मुंहिंजो पहिरें फर्स्ट इंटरव्यू तारा सां आहे, ऐं इनशाला मां कोशिशि कयां थो अॻिते हली मां जेके बि जेके असांजी अदी अक्सा सां मुंहिंजो ख़्वाहिश आहे त हुन सां बि इंटरव्यू थिए, ऐं रूबी अली सां मां हिकिड़ी वीडियो ठाही आहे पर उहो ॿोल मुतासिरनि जो जेको हुयो हुन सां ठाही आहे, पर हाणे वधीक इनशाला महिरबानी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ख़ुशि रहें आबाद में, ऐसे हंसते मुस्कुराते अपनी बहुत सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, टिकटॉक पे अल्लाह आपको और इज्जत दे और इन फ्यूचर आप स्टार बने। शुक्रिया गाइस, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ, स्पेशली न्यू टैलेंट के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।